सरस्वती के आंगन में जर्सी वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम आदरणीय एसडीएम साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिंसिपल साहब, पूर्व सरपंच साहब, समस्त ग्रामवासियों, विद्यालय स्टाफ, प्रिय बालक और बालिकाओं तथा इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री मुकेश, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारा स्टाफ सामाजिक सरोकारों में अब शामिल होने लगा। जैसा कि अभी आपको एसडीओ साहब ने बताया कि हमारे ब्लॉक में 58 स्कूल इस तरीके के चल रहे हैं जैसा आपका एक विद्यालय है। साहब को मैं बताना चाहूंगा, इस सत्र में हमारे प्रयासों से 1600 बच्चों को जो 1 से 5 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जुलाई से अब तक हम ड्रेस वितरण कर चुके हैं इसी तरीके से। और ये चौथा स्कूल है जिसमें हम जर्सी वितरण कर रहे हैं। संयोग ऐसा नहीं रहा कि हम आपको बुला पाते, लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जितना बड़ा जन समुदाय आज मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में देखने को मिला वो अन्य किसी भी स्कूल में नहीं मिला। ये एक हर्ष की बात है और यही सामाजिक जुड़ाव है जिसकी आवश्यकता आज हमारे सरकारी विद्यालयों को है। आपने बताया सरकारी विद्यालय जो चल रहे हैं वो समाज की ऐसी बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। और हमारे समस्त सरकारी विद्यालय लगभग अब बालिका विद्यालयों में कन्वर्ट हो चुके हैं। 70% तक लड़कियां यहाँ अध्ययनरत हैं। लेकिन मैं यहाँ गांव के बहुत बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आज बदलाव बहुत बड़ा आ गया है। आज सरकारी विद्यालय का टीचर पूरे समय विद्यालय में रहकर अध्यापन करा रहा है। और आप कभी संतुलित मन से सोच के देखिए कि कितनी सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में मिल रही हैं। आज जो आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भाई सरकारी विद्यालयों में तो पढ़ाते नहीं है मास्टर जी, और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन और सारे जितने भी काम है ना वो सब समाज के ही काम करते हैं, अपने कोई व्यक्तिगत काम शिक्षक नहीं कर रहा। और पढ़ाने की जहां तक बात है, पढ़ाने में केवल किताबी ज्ञान ही शामिल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय में उपलब्ध हो रही है। इतना बड़ा ग्राउंड आप यहाँ से चल के पूरे ब्लॉक में देखिए, मुश्किल से 1 या 2 प्राइवेट स्कूल ऐसी होंगी जो बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध करा रही होंगी। यहाँ विद्यालयों में टॉयलेट्स हैं, आयरन की टैबलेट्स यहाँ दी जाती हैं और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, जर्सी जैसी चीजें लोग जो है अपने पुण्य कमाई में से बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। आप तुलना करते हैं सिर्फ एक चीज की कि पढ़ाई में नंबर आ जाते हैं, तो आप देखिए पढ़ाई में नंबर आना अलग चीज है और नौकरी के कंपटीशन में नंबर आना बहुत अलग चीज। आज कोई भी चीज मेरिट से नहीं मिल रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मेरिट को बिल्कुल खत्म कर दिया। कभी आपने अब अखबार में 2 साल से ये नहीं पढ़ा होगा कि ये मेरिट में पहला है ये दूसरा है। यदि आप किसी विज्ञापन में पढ़ रहे हैं या किसी पंपलेट में पढ़ रहे हैं या किसी होर्डिंग पे देख रहे हैं तो वो आपको सिर्फ भ्रमित करने का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये अंक कहीं भी काम नहीं आते। जिस किसी भी जॉब में जाना है, चाहे सरकारी में जाना है चाहे प्राइवेट में जाना है, बच्चे की काबिलियत चाहिए। और जब बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे कहीं भी सीखते हैं, क्योंकि इनको जो शिक्षण कार्य कराया जा रहा है ना वो सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा कराया जा रहा है। और शायद आपने 2 महीने पहले यदि अखबार पढ़ा हो तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था कि आईएएस बनना आसान होगा, शिक्षक बनना नहीं। यानी शिक्षक के लिए जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई शिक्षा नीति 2019 जो लागू हो रही है, उसमें शिक्षक बनना और फिर जिनके द्वारा पढ़ाया जाना एक बहुत अलग विधा होगी। पूरे सिस्टम के माध्यम से ही शिक्षक आएगा। और रही बात यह कि शिक्षक नहीं पढ़ाते, जब इतने लोगों का जुड़ाव विद्यालय से होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा। विद्यालयों में हमने
बिल्कुल प्रजातांत्रिक सिस्टम से कमेटीज बना रखी हैं, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। प्रबंधन शब्द का मतलब है कि विद्यालय की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए वही समिति ऑथराइज है। यदि आपकी सक्रिय भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से आपके स्कूल बढ़ेंगे। खैर, ये एक बात जो थी मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप लोग यहाँ आए और इस बात को शायद समझेंगे, मनन करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यदि हम बिना देख रेख के करते हैं, यदि हमारा उस पर कमांड नहीं है। आपके घर के सामने रोड बन रही है, सरकारी पैसा उसमें लग रहा है, यदि आपने ये सोच लिया कि सरकार बना रही है, मेरी तरफ से कैसे भी बनाओ, तो बन जाएगी, हल्के स्तर से बन जाएगी। और उसका परिणाम कौन भोगेगा? बनाने वाला नहीं भोगेगा, सरकार भी नहीं भोगेगी, आप भोगेंगे। दूसरे दिन तीसरे दिन टूटेगी, 10 दिन 15 दिन बाद टूट जाएगी, अगले 5 साल तक बनेगी नहीं, कीचड़ में रहना होगा, तो आपको रहना होगा। यदि आप एक दिन बुरे बन जाओगे, एक दिन जागृत हो जाओगे, तो पूरे 5 साल आनंद से रहोगे, या 10 साल जब तक वो सड़क चलेगी। वही बात सरकारी विद्यालयों के लिए है, इनके प्रति भी आपको पूरी सक्रियता निभानी चाहिए। हर महीने हम बाल सभाएं आयोजित कर रहे हैं, गांव में जाके कर रहे हैं। आप लोग एक बार शरीक होइए, और आपको ये लगता है कि यहाँ ये कमी है हमारे स्कूल में, तो आप निसंकोच विद्यालय स्टाफ को बताएं, आपकी बात सुनेंगे, हमें बताएं। और आजकल सारी सुविधाएं हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमें सूचित कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, साहब के पास भी जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके पास हैं। फिर आपके विद्यालय में इतना कम नामांकन शोभा नहीं, कम से कम इस गांव की स्थिति को देखते हुए 500 बच्चे यहाँ पढ़ने चाहिए। और वो बच्चे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे कारगर होंगे और जीवन में अच्छे नागरिक बन पाएंगे। सबसे बड़ी संस्कार की बात होती है, कोई भी माँ बाप सबसे पहले संस्कार चाहता है। यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छे रोजगार पर है, माँ बाप के प्रति उसका कोई रुझान नहीं है, पिताजी दुख पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शिक्षा का कोई औचित्य नहीं। केवल वो दूसरे लोगों को ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, लेकिन जिस दिन यहाँ से जाना होगा उस दिन अमेरिका वाला कब आएगा, उसमें संस्कार है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने बच्चों का अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कृति के लिए आप विद्यालय से जुड़े, और विद्यालय में समय समय पर जब भी आपको बुलाया जाए तब आवे, और जब आपका मन करे कि विद्यालय गतिविधियों को देखने के लिए जाए, तो निश्चित रूप से आपके विद्यालय उन्नति के शिखर पर जाएंगे। इस विद्यालय में लगी हुई एक एक ईंट पर आपका अधिकार है। हालांकि पैसा भी आपका ही लगा है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से गया है, टैक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट से लग करके यहाँ लगा, लेकिन आपका अधिकार है। और जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, और जिस बिल्डिंग में आपका पैसा लग जाता है, उस बिल्डिंग पर आपका एक पैसा भी नहीं, एक ईंट पर भी अधिकार नहीं। इन सारी चीजों को सोचें, और मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और इस सारे कार्यक्रम में यदि कोई सम्मान का पात्र है तो मुकेश जी हैं, जिन्होंने इतने बड़े काम को एक प्रेरणा के रूप में लिया, और कहने में फोर्स में काम किया, और उसी फोर्स ने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि पूरे बच्चों को, केवल जर्सियां ही नहीं बल्कि 8वीं तक के बच्चों को सोफा और जुर्राफ जूते जैसी व्यवस्था की। इसके लिए मैं इनको विभाग की तरफ से, मेरी ओर से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और एक प्रेरणा का स्रोत मानते हुए अन्य लोगों से भी अपील करूंगा कि जब कभी ऐसा मौका मिले तो निश्चित रूप से मदद करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से जाने के बाद साहब सीधे ही, और मुझे भी वहाँ जाना है, जर्सी वितरण कार्यक्रम के लिए जाएंगे अगले विद्यालय में। आप सबने मुझे, हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।